वो सब नेताओं को तो बुला लें। कमलनाथ जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और इसीलिए दिग्विजय सिंह है नहीं, बाकी कांग्रेस के नेता है नहीं। वैसे ही इंटरनल मामला है, इस देश में हर एक व्यक्ति को प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, अपना विरोध जताने का भी अधिकार है, पर विरोध किस बात का? मुद्दा तो हो, केवल इसलिए कि हमें अपनी राजनीति चमकानी, इसलिए प्रदर्शन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही मायने में आए फ्लोर पर बात करें, कमलनाथ जी विधानसभा तो आते नहीं है कभी, इस फ्लोर पर बातचीत करें ना एक बार, तो वो अपना मुद्दा बता दें। केवल अपनी राजनीति चमकाना और फोटो खिंचवाना, इसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए यदि राजनीति करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने हर समय नेहरू परिवार की परंपरा को का पालन करते हुए इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में नीचे दिखाने का काम किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता जो सांसद है, वो देश के लोकतंत्र पर फॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और राहुल गांधी इतनी लोकतंत्र की फिक्र कर रहे हैं तो ये तो बता दें कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो क्या था? वो क्या लोकतंत्र को सुशोभित किया जा रहा था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फेडरल सिस्टम, देश का कानून, देश का संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को जिन ऊंचाइयों तक नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, शायद पहले किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया। और राहुल गांधी जी अपने व्यक्तिगत एजेंडे के लिए देश के मान और सम्मान को तिलांजलि दे रहे हैं, इससे ज्यादा और घृणात्मक काम कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने देशद्रोह का काम किया है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उसको क्या फैसला ले रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव गोविंद सिंह जी उनसे चर्चा कर रहे हैं, वो फैसला करेंगे। सर, मैं दुबई में बैठ के प्रदर्शन की रणनीति बना रहे थे, बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कहे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, वह मध्य प्रदेश की हित, मध्य प्रदेश की भविष्य का फैसला करेगा। जीतू पटवारी का निष्कासन को लेकर भी चर्चा होनी है, क्या निष्कासन वापस लिया जाए? देखिए, बहुत सारे मसलों पे चर्चा होना है। मेरे खिलाफ़, विजयलक्ष्मी साधु के खिलाफ भी उन्होंने विशेषाधिकार हनन का दिया है नोटिस, बीजेपी के लोगों ने। जीतू पटवारी के निलंबन का मामला है, हमने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो किताब फेंक के मारी थी, इस पर हम चाहते हैं कि सदन पूरे समय चले, बजट के ऊपर सारगर्भित चर्चा हो, और जो खामियां बजट में रखी हैं शिवराज चौहान ने, उन खामियों को उजागर करके बजट में नए प्रावधान कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि सदन जितने दिन के लिए घोषित है उतने दिन चले, लेकिन बीजेपी साजिश पूर्वक सदन को बाधित करके चलाना नहीं चाहती, जिससे नरोत्तम मिश्रा ने किताब फेंक के नेता प्रतिपक्ष को मारने की कोशिश की। ये इस तरह की हरकतें इसलिए की जाती हैं कि इन्हें चर्चा कराने से डर लगता है, पर हम चलाएंगे। बेमौसम जो बारिश हुई है इसको लेकर देखिए, हम मैं खुद मेरे क्षेत्र में भी, देवास जिले के सोनगंज विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, हम लोग उसी समय पहुँचे, अधिकारी को निर्देशित किया, लेकिन यहाँ जो शिवराज चौहान जी का वो है, ये निर्देश है, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये फसल लेट गई है लेकिन नष्ट नहीं होगी, ये धूप लगेगी तो फिर खड़ी हो जाएगी। बड़े गजब के कृषि वैज्ञानिक मध्य प्रदेश में हैं, शिवराज के इशारे पे ये अपनी भाषा बोलते हैं ताकि इनको मुआवजा ना मिल सके, वो मामला भी उठेगा। ये जो चारों मामले हैं, हम लोग आ गए हैं, हम लोगों की अभी बैठक है वरिष्ठ विधायकों की जूनियर साथियों के साथ, कार्य मंत्रणा समिति भी है, उसमें भी कुछ बातें तय करेंगे। हमारे विधायक दल की बैठक में इस बात को तय करेंगे कि बीजेपी जो मुद्दों से भाग रही है उसे पकड़ के रखें और पूरा चर्चा कराएं। आज आप लोग घेराव भी कर रहे हैं राजभवन का, एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग का देखने को मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उवाच है,
तत्काल आ जाता है, अरे राहुल गांधी ने ये करा, राहुल गांधी ने वैसे, अरे अडानी जब 10 लाख करोड़ का गबन करवाता है शेयर मार्केट के माध्यम से, उन मध्यम वर्गीय परिवार जो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा बचा के शेयर खरीदते हैं, उनके शेयर को डुबो देता है। इस घोटाले पे अभी तक आदरणीय मोदी साहब कुछ भी बोले नहीं हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के उसके सामने देश लूट रहा है। मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक दिन वोट लगा देंगे नई दिल्ली में, इंडिया फॉर सेल, अडानी और अंबानी खरीद सकते हैं। ठीक है, विधायक दल के हमारे वरिष्ठ साथी आ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। और जहाँ तक जीतू पटवारी के खेद व्यक्त का, तो जो सदन में जा ही नहीं सकते, मैं अभी अध्यक्ष जी से चर्चा करूँगा। संसदीय कार्य मंत्री जी का भी फोन आया था, बात करना है, तो क्या चर्चा होगी उसके बाद हम निर्णय लेंगे। हम चाहते हैं कि सदन शांतिपूर्ण से चले, सार्थक चर्चा हो, और चर्चा होती है तो प्रदेश के हित में, शोषित गरीबों के हित में तमाम निर्णय होते हैं। हम तो हमेशा से हमारी मांग रही है कि सदन लंबा चलाया जाए, ताकि प्रदेश के कल्याण के विषयों पर चर्चा होकर निचोड़ निकले और आम जनता के लाभान्वित करने के लिए योजना। आप लोग जीतू पटवारी क्या खेत व्यक्त करना चाह रहे हैं, शामिल आप होंगे? जीतू पटवारी खेत व्यक्त करना चाह रहे हैं सर? अब जो जीतू पटवारी जब आएंगे तब आप पूछ लेना उनसे क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं वो सदन में नहीं आ सकते, तो क्या किस तरह आ सकते, तो आप देखेंगे। पटाक्षेप हो जाएगा इस पूरे मामले का, जल्द उम्मीद हो सकती है, हो सकता है। आज घेराव हो रहा है, आप लोग राजभवन से घेराव कर रहे हैं। हम लोग 1 बजे तक सदन में, 4 बजे में सम्मिलित रहेंगे। 1 बजे के बाद हम चाहेंगे अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री से कि जब उनकी पार्टी के कभी कोई प्रोसेशन प्रदर्शन रहे हैं तो हम लोगों ने उनकी बात स्वीकार करके सहयोग किया है। प्रजातांत्रिक पद्धति में एक दूसरे का सम्मान करना सभी दलों का कर्तव्य धर्म है। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो विशाल हृदय दिखाते हुए, जो अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, पूरी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी को मध्य प्रदेश में पूरा सम्मान स्वागत VIP ट्रीटमेंट दिया, और पूरा खर्चा भी कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए उठाया। 3 दिन सम्मेलन चला पूरे सम्मेलन में, तो जब कांग्रेस साहिरदत्ता से काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार कांग्रेस के आंदोलन प्रदर्शनों में सहयोग करना चाहिए। सर, आप विपक्ष के नेता हैं, तो क्या जीतू पटवारी ने आपसे मंशा जाहिर की कि वो उस मामले में खेद प्रकट करना चाहते हैं? आज कोई ना कोई निकाल